now i am making this video first i inform you in CorelDRAW upper version 2018 or more if you convert the 2d file as eps then it do not works in artcam 2008 due to version problem but if you export as dxf then it will

या उससे ऊपर वाला जो भारसन है उसमें आप कोई टू फाइल बना रहे हैं तो उसको ईपीएस में कॉन्वर्ट मत कीजिए ईपीएस करेंगे तो आठकेम में भारसन का सपोर्ट ना होने की वजह से सपोर्ट नहीं करेगा अब उसको डीएक्सेप्ट कीजिए और अगर आपके पास थर्टीन है तो कोई दिक्कत नहीं आप उसको ईपीएस कर सकते हैं या डी एक्सेप्ट कर सकते हैं दोनों ही सपोर्ट करेगा पर आपको कोरल थर्टीन या उससे लो वाला भारसन यूज करना पड़ेगा नाउ

Select this EPS file first. You can see there this type of error message will show. But don't worry, you export this file as DXF and import again. You can see this is the DXF file. Easily, the DXF file import here. Understand? And you also can check the size also.

उसको आप पहले डीएक्सएफ में कॉन्वर्ट कर लीजिए अगर आपके पास आर्ट आठकेम में कोरल में अठारह से ऊपर वाला भारसन है तो तो इस तरह से काम करेंगे तो हो जाएगा और अगर आपके पास थार्टीन है तो कोई इशू नहीं है आप उसको ईपीएस में भी कर सकते हैं और डीएक्सएफ में भी कर सकते हैं देख लीजिए तो मैं इसको पहले कॉम्बाइन कर लेता हूं कॉम्बाइन का शॉर्टकट की है कॉन्ट्रोल एल और एक्सपोर्ट करने का शॉर्टकट की है कॉन्ट्रोल ई -E. ठीक है तो इधर जाके मैं और एक नाम देता हूं एक्सपोर्ट ये कर दिया और इसको आप देख सकते हैं मैं आठ कैम खोल दिया और इसको फिर से इम्पोर्ट कर रहा हूं देखिए देख रहे हैं इंपोर्ट हो गया तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर कोरल 13 वाला भाषण है या उससे लोअर वाला भाषण है तो आप कोई भी टू वाला फाइल को EPS बना के इम्पोर्ट कर सकते हैं आठ के आठ में पर आपके पास अगर कोरल का अपर वाला भाषण है तो आपको उसको उस फाइल को DXF में कॉन्वर्ट करना है तब जाके वो आठ के आठ में इंपोर्ट होगा समझ गए थैंक यू फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक